भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के सौजन्य से हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत रामपुर के डाकोल्ड में हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा निगम द्वारा ग्रामीण दूरदराज महिलाओं को सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि ग्रामीण साधनहीन महिलाएं प्रशिक्षित होकर स्वरोजगार को अपनाते हुए आत्मनिर्भर बन सकें। इस प्रशिक्षण में जनजातीय महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। इस प्रशिक्षण में किन्नौरी व बुशहरी पारंपरिक परिधानों के डिजाइन पर आधुनिकता से जुड़े नए डिजाइनों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं को डिजाइनदार शॉल, पट्टू पट्टी, मफलर और टोपी आदि बनाने के टिप्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि महिलाएं लोकल फॉर वोकल को ध्यान में रखते हुए स्थानीय ऊनी वस्त्र तैयार कर बाजार में नई पहचान दिला सकें। इस प्रशिक्षण में हिस्सा लेने वालों को सरकार की ओर से 9,000 रुपए मासिक व प्रशिक्षण देने वालों को 15,000 रुपए मासिक प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। अंजना देवी ने बताया कि हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, जिसमें बुनाई व सिलाई सिखाया जा रहा है। जो गांव की महिलाएं बेरोजगार थी, उनके पास रोजगार का साधन नहीं था, उन्हें यहां पर प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे आगे जाकर अपना रोजगार कमा सकें। इसके साथ साथ दैनिक 300 के हिसाब से पैसा भी मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अंजना देवी है। मैं गांव बरी किन्नौर, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की हूँ, और यहाँ पे रामपुर बुशहर डोकोलर में हैंडीक्राफ्ट टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर जो केंद्र शासित द्वारा आयोजित किया गया है, यहाँ पे खोला गया है, ताकि महिलाएं कुछ सीख सके या कुछ सीख सके बुनाई सिलाई आदि, ताकि अपना आगे चलकर रोजगार खोल सके, अपने लिए कुछ पैसे कमा सके, महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके, अपने फैमिली अगर कोई इनके ऊपर डिपेंड है जो फैमिली मेंबर, उनके लिए कमा सके, या किसी के आगे मतलब इनको कोई परेशानी ना हो आगे जाके, इसलिए यहाँ पे खोले गए हैं। बहुत मतलब कुछ महिलाएं जो गांव में रहती हैं, या फिर गांव से हमारे किन्नौर से भी हैं बहुत सारी महिलाएं जो बेरोजगार थीं या कुछ कर नहीं पा रही थी, वो यहाँ पे आकर सीख रही हैं। और डाकोल्ड की रहने वाली दुर्गा गोस्वामी ने बताया कि यहाँ सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण केंद्र सरकार की ओर से खोला गया है। यहाँ पर टोपी पट्टी फूल आदि बनाना सिखाया जा रहा है। इसके साथ किन्नौरी डिजाइन के प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सीखने और सिखाने वालों को पैसे भी सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। नाम दुर्गा गोस्वामी है, मैं डकोलर की रहने वाली हूँ। हमारे यहाँ एक सेंटर खुला है केंद्र सरकार की ओर से, तो हमारे लिए यहाँ रोजगार के अच्छे अवसर हैं। हम यहाँ टोपी और बास्कट और फूल बनाना हर चीज़ सीख रहे हैं, और जो सिखाने वाले हैं उनको भी पैसा मिल रहा है। जो सीखने वाली महिलाएं हैं उनको भी पैसा मिल रहा है, उनको 300 मिल रहा है। किन्नौर बरी गांव की रहने वाली शशिकला ने बताया कि रामपुर डाकोल्ड में वे बुनाई का काम सीख रहे हैं, ताकि वे बुनाई कार्य को स्वरोजगार के रूप में अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकें। मैं श्रीमती शशिकला बरी गांव की रहने वाली हूं। हम लोग यहां डकोलर में बुनाई सीख रहे हैं, शॉल पट्टू दोड़ू सब कुछ किन्नौरी बनाने को सीख रहे हैं। सरकार की भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, हम आगे बेनिफिट उठाना चाहते हैं जी सीख के, ताकि हम आगे अपने पैरों में खड़े हो सके जी बुनाई सीख के। नरेंद्र की रहने वाली सुलोचना ने बताया कि हम खड़ी का काम सीखने आ रहे हैं, यहाँ उन्हें शॉल पट्टू के नए नए पारंपरिक डिजाइनों को भी सिखाया जा रहा है। केंद्र सरकार के माध्यम से चलाए गए इस केंद्र में बारीकी से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उन्हें काफी फायदा हुआ है, वे केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम सुलोचना है और मैं नरेन भाली की हूँ रहने वाली, और हम यहाँ सेंटर में आते हैं। 2 महीने का जो सेंटर खुला है, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और हम डिज़ाइन भी बनाते हैं और बुनाई भी करते हैं, और टीचर के द्वारा भी बहुत कुछ सिखाया है, और इनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और जैसे सरकार ने हमारे लिए जो भी योजना जो खोली है लेडीज के लिए, और ये बहुत अच्छी है। किन्नौर निवासी बेलू राम ने बताया कि उन्होंने डाकोल्ड में किन्नौरी हैंडलूम इंडस्ट्री खोला है। यहां केंद्र सरकार की ओर से 2 महीने का प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, जिसमें ग्रामीण दूरदराज जनजातीय महिलाओं को हस्त शिल्प से
जुड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे स्वरोजगार को अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकें। इसमें हम किन्नौरी डिजाइन के शॉल पट्टू आदि बनाना भी सिखा रहे हैं ताकि वे बुनाई सिलाई का अच्छा ज्ञान लेकर अच्छा पैसा कमा सकें। श्री बेलूराम बरी गांव से तहसील निचार जिला किन्नौर से हूँ। मेरे डकोलर में इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में केंद्र सरकार ने सेंटर खुलाया 2 महीने के लिए। इसमें 44 लेडीज है, मेरे पे हैंड ओवर है। इनको सारा हम सिखा रहे हैं, फूल वाले कपड़े सिखा रहे हैं, ट्रेडिंग का सिखा रहे हैं, जैकेट सिखा रहे हैं, टोपी सिखा रहे हैं, फूल बनाने का, किन्नौरी फूल बनाने का सिखा रहे हैं। इनको हर इससे सुविधा कर रहे हैं हम। गवर्नमेंट से भी इनको 300 रुपये जारी मिल रहा है और इनको अगर ठीक से काम करे हम हर इसमें मैं डेली सेंटर ले आऊँगा रोज को। बेरोजगार